हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत खाना। सर्दियों का मौसम हो या फिर बरसातों का मौसम, उसमें गरम गरम पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। मुंबई महाराष्ट्र में तो 12 महीना मेथी मिलती है, अवेलेबल रहती है मार्केट में, बट ऑल ओवर इंडिया में सर्दियों में ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैं सर्दियों में ये रेसिपी निकाल रहा हूँ। और चाहता तो मैं पहले था कि ये रेसिपी निकाल दूँ, बट वाली बात हो जाती है सरदारों की बस्ती में नाई की दुकान, जब मेथी अवेलेबल नहीं है तो मेथी के पकौड़े। तो इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मेथी की भजिया। और इस मेथी भजिया को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, आप उसको फटाफट अपने घर पे बना सकते हैं। इसको बनाना एकदम ईजी है और इसका टेस्ट होता है एकदम नेक्स्ट लेवल होता है, जो मेथी लवर है उसको जरूर पसंद करेंगे। तो इसको आप गर्म गर्म चाय के साथ खाएंगे तो कहने ही क्या। और सर्दियों के मौसम में पकौड़े और चाय मिल जाए तो आप समझ सकते हैं, तो एकदम दिन बन जाता है और एकदम हेल्दी भी होता है। और आप लोग जानते हैं मेथी जो है हेल्दी भी होती है, तो हमारे ये हेल्दी पकौड़े हैं, बोले तो हेल्दी भजिया है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमें मेथी की भजिया बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। हमने लिया मेथी, मैंने एक बंच लिया है, बोले तो 100-150 ग्राम का होगा इसका वेट। काटने के बाद इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और हमने लिया है बेसन, आप इस चीज़ का अनुपात रख सकते हैं कि हमें मेथी से थोड़ा सा कम बेसन चाहिए। लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच, नमक 1 चम्मच, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। 3 से 4 पिंच सोडा, ये खाने वाला सोडा है। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च। इसको हम लास्ट में छोंकेंगे, बोले तो भजिया के साथ खाने के लिए। मुंबई में स्ट्रीट में इस तरह से मिलती है हरी मिर्च साइड में, तो इसलिए मैं आपको एकदम उसी स्टाइल में बना के दिखा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसको आप जरूर लाइक कीजिए, मैं बोलना बोल जाता हूँ स्टार्टिंग में, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और आने वाली मोर रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मेथी को ले लेंगे, इसके अंदर हम हल्का सा नमक डालेंगे, बोले तो अपना जो नमक है उसके अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो मेथी है अपना जो वाटर है वो रिलीज़ कर देगी, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमें कितना पानी डालना है इसके अंदर। और ऊपर से हम डाल देंगे बेसन, और इसमें पानी हमें बहुत सोच समझ के डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारा जो बेसन है उसका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। फिर उसके बाद नमक के बाद ये जो मेथी है वो पानी भी रिलीज़ करती है। अब इसको हम 1 चम्मच की मदद से मिला लेंगे आपस में, थोड़ा थोड़ा करके बेसन हम डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मेथी के अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट होता है, जो मेथी आलू की सब्ज़ी बनती है उसमें आपने देखा होगा, उसमें लोग पानी नहीं डालते हैं क्योंकि मेथी की स्टीम से ही वो पक जाते हैं, आलू स्टीम हो जाते हैं और एकदम अच्छा स्वाद आता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, लाल मिर्च, और साथ में हम डाल देंगे बेसन। सारा बेसन डाल दिया, अब इसको हम आपस में अच्छे से मिला देंगे। अगर हमें कम लगा तो बेसन और डालेंगे हम। स्ट्रीट साइड वाले जो वेंडर्स हैं वो लोग जो भजिया बनाते हैं उसके अंदर बेसन बहुत कम मात्रा में होता है। थोड़ा सा हम पानी डाल लें, इसको हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी हमें हल्के हाथ से डालना है, बोले तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जैसे हमें अंदाज़ा हो कि हम कितना डाल लें। और मुंबई स्टाइल के जितने भी वेंडर्स होते हैं आपको बता रहा था, जैसे वो लोग बेसन कम डालते हैं जैसे उनके जो पकौड़े हैं एकदम क्रिस्प बने और एकदम जो मेथी का भजिया का जो स्वाद है एकदम निकल कर आए। अब इसके अंदर हम डालें सोडा, इसको भी हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सोडे को, जैसे वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, इससे हमारे जो पकौड़े हैं एकदम अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी निकलेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा और बेसन डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जैसे हमारा जो डो है पकौड़े का, बोले तो भजिया का, वो हल्का सा बंध जाए डालते समय। इसको और इसको भी हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है बनके तैयार हो गया, बोले तो हमारा मिक्सर तैयार हो गया मेथी भजिया का। इसी तरह की क्वांटिटी चाहिए हमें, बेसन थोड़ा सा कम चाहिए और मेथी जो है इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे एक एक करके। तो चलिए हम अपनी कढ़ाई पे चलते हैं और इसको हम फ्राई करते हैं अपने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमें इतना डालना है जैसे हमारे पकौड़े जो है डिप कर सके, बोले तो डूब सके। और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म करना है, और मीडियम फ्लेम में ही हमें इसके अंदर पकौड़े डालने हैं, बोले तो भजिया डालनी है। और हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर एक एक करके हम भजिया डालेंगे चम्मच की मदद से, अगर आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं, इस तरह से आप डाल सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना, अगर आप इस तरह से थोड़ा सा गोल घुमा के डाल दीजिए, बिल्कुल भजिया वाला टेक्सचर आएगा और जो उसका लुक है वो भी उस तरह से ही आएगा। ये देखिए ऐसे डाल दीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और कड़वे भी बनते हैं। एक बात, अगर आपको मेथी पसंद है तो आपको ही ये पसंद आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, जब हम इसके अंदर भजिया डाल देंगे तो ये नीचे से लग जाते हैं, बोले तो चिपक जाते हैं, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई है। अगर आपके पास हार्ड एनोडाइज कढ़ाई है तो नहीं चुपकेंगे, और जब ये हल्के से हो जाएंगे फिर इसको हम हल्का सा हिलाकर इसको नीचे से छुड़ा देंगे। ये नीचे से लग जाते हैं तो आप टेंशन ना लीजिए। अब इसको हम एक चक्कू की मदद से हल्का सा हिलाएंगे, जैसे ये नीचे से जो लगे हैं वो हिल जाएंगे, बोले तो चुपकेंगे नहीं। ये देखिए, अगर आप लोग नए लोग हो तो आपको नहीं मालूम होगा, तो ये नीचे से लग जाते हैं। ये मैं हल्के से सुनहरे हो गए, इसको हम टॉस कर देते हैं, एक एक करके आप टॉस कर दीजिए। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये मैं सेक रहा हूँ मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम में नहीं सेकना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेथी के भजिया बनके तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हमें टेक्सचर चाहिए, एकदम गोल्डन ब्राउन वाला। अब इसको हम एक स्टील की प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, एकदम मस्त बनके तैयार है। सर्दी के मौसम में गरम गरम पकौड़े खाइए, बोले तो भजिया खाइए। इसको हम एक स्टील की प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, हमने सारे निकाल लिए। अब बचा हुआ लोट है, इसके भी मैं भजिया निकाल लेता हूँ। और सेकंड लोट आप निकालते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, फ्लेम हमें लो कर देनी है सेकंड लोट में। फर्स्ट लोट में हमें मीडियम रखनी थी, और सेकंड लोट में हम लो रखेंगे, जैसे हमारे जो भजी हैं एकदम से जल ना जाए। अब हमारा जो सेकंड लॉट है वो भी अब कंप्लीट हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये भजिया, आप जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिए। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगे। अगर आप मेथी लवर हैं तो ही आप इसको पसंद करेंगे, वरना नहीं। ये आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ इस चरण में कि किसको कौन सी चीज़ पसंद आएगी। ये मैंने निकाल लिया, हमारे सारे मेथी भजिया निकल गए, अब बाहर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपनी मिर्चों को छौंकेंगे। मिर्च छौंकने के लिए हम फिर से इस तेल को लो कर देंगे, और सारी मिर्चें मैंने बीच में से फाड़ ली हैं, बोले तो इसमें बीच में से स्प्लिट कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारी जो अगर हम विदाउट स्प्लिट करके डालेंगे मिर्ची तो ये फटेगी, और एकदम इसके जो तेल है बाहर निकल कर आएगा। ऐसे करने से हमारा जो तेल है नहीं निकल कर आएगा, ज़्यादा आएगा पर ज़्यादा नहीं आएगा। हम इन मिर्चों को इसके अंदर डाल दे रहे हैं, अब डाल के इसको आप पीछे हो जाइए, जैसे आपके ऊपर इसकी जो छींटे हैं आपके ऊपर ना आए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मेथी भजिया बनके तैयार है एकदम मुंबई स्टाइल में, और इसको मैंने सर्व किया चुकी हुई मिर्चों के साथ, जैसे मुंबई में मिलता है हर एक स्ट्रीट पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप जरूर लाइक कीजिए, और आने वाली मोर रेसिपीज़ के लिए और मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।